जहाज में कई हम सफर होते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो हम सफर जो है वो साथी हो जाए बाद में। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूँ। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूँ। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। इसलिए इसकी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। गठबंधन के मामले में कांग्रेस पार्टी छल छत्रप है, और इस तरह के छल छत्रपों के साथ कोई भी आदमी अपना साथ नहीं दे। इतना पूर्ण बहुमत कांग्रेस के पास होता तो कांग्रेस अपने साथियों को चिमटे से भी नहीं छूती। ये फर्क है कांग्रेस में और मोदी जी में। मुख्तार अब्बास नकवी जी हमारे साथ हैं। सर, ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत चल रहा है जिसमें नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक फ्लाइट में आ रहे हैं, हालांकि दोनों अलग अलग मीटिंग में आ रहे हैं, एक एनडीए की मीटिंग में और एक इंडिया की मीटिंग में। तो चिंता होती है क्या कि जहाज बदल ना जाए? भैया, जहाज में कई हम सफर होते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो हम सफर जो है वो साथी हो जाए बाद में। इसलिए इसकी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के कुछ नेता तो उम्मीद जता रहे हैं या गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि अभी देखिए आज बैठक होती है, उसके बाद में तय किया जाएगा क्या। एक बात आपको समझना होगा कि गठबंधन के मामले में कांग्रेस पार्टी छल छत्रप है, और इस तरह के छल छत्रपों के साथ कोई भी आदमी अपना साथ नहीं देगा। नरेंद्र मोदी जी एक तरफ जो है गठबंधन के जांचे परखे खरे नेतृत्व के रूप में स्थापित हैं, जिन्होंने कि 2014 में भी जब बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला तब भी गठबंधन को लेकर के सरकार चलाई, 2019 में भी सरकार गठबंधन को साथ लेकर चलाई। लेकिन उस समय समीकरण अलग था ना, बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत था, गठबंधन तो ठीक है लेकिन बहुमत आपके पास पूरा अभी नहीं। अगर इतना पूर्ण बहुमत कांग्रेस के पास होता तो कांग्रेस अपने साथियों को चिमटे से भी नहीं छूती। ये फर्क है कांग्रेस में और मोदी जी में। अभी आज की आपकी बैठक है तो उसमें क्या फैसले लिए जाएंगे, एनडीए की जो बैठक है और शाम में इंडिया की बैठक है, उससे आप किस तरीके से फैसला होगा वो आपको पता लगेगा। फैसला जो होगा वो पता लगेगा। चलिए, मुख्तार अब्बास नकवी हमारे साथ थे, जो कह रहे थे कि अगर इतना बहुमत पहले कांग्रेस को मिला होता तो वो अपने सहयोगियों को चिमटे से भी नहीं छोड़ते। वीडियो जर्नलिस्ट विशेष पांडे के साथ पुलकित नागर, टाइम्स नाउ, नव भारत।